वीडियो लेक्चर में देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का डेरिवेशन। तो किसी धारावाही कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, जो धारावाही कुंडली होती है उस पर जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कुंडली से प्रवाहित धारा आई एवं कुंडली के क्षेत्रफल कैपिटल ए के गुणनफल के बराबर होता है। कैपिटल एम बराबर ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, कुंडली से प्रवाहित धारा आई गुणे क्षेत्रफल कैपिटल ए। तो यहाँ पे आई इंटू ए लिखना था लेकिन हमने एन भी लिखा है आगे। एन का मतलब है जहाँ एन कुंडली में फेरों की संख्या। जैसे यहाँ पर ये मान लेते हैं ये कोई कुंडली और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसका, और इसमें ऐसे ऐसे जो है तार इसमें जो है इसमें फेरे लगे हुए हैं। तो यहाँ देखना है कि फेरे कितने फेरे लगे हुए हैं, तो वही कुंडली में फेरों की संख्या। और यम अगर यम का मात्रक यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक देखेंगे तो यहाँ पे धारा का मात्रक एम्पियर होगा और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होगा। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा, यन फेरों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। यम की बीमा निकालेंगे तो एम्पियर की बीमा और मीटर स्क्वायर की बीमा, तो एम्पियर की बीमा तो ए ही होगी और मीटर की बीमा एल टू होगी। यहाँ पे दो बार है तो एल टू ए वन ये हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।